क्लोजा मास्टर ब्यूटिशियन क्लास का भी इनेकाद किया गया और ब्यूटिशियन क्लास के जानिब से मेकअप, मेहंदी और बालों के मुख्तलिफ डिजाइन पेश किए गए जिसको हाजरीन की जानिब से बेहद सराहा गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हाशिर वड़ायत जी। हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो एक रोज़ा महंगा ब्यूटिशियन इवेंट है उसका इनकार किया गया है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के जो है वो मेकअप किए, इसके अलावा मेहंदी के जो मुख्तलिफ डिज़ाइन है वो अपने हाथों पर बनाए और उनको नुमाइश के लिए पेश किया, जिसके बाद जो यहाँ पर देखने वाले थे उनकी जनब से इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। उस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर है मैम यास्मीन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन, इतना अच्छा इवेंट किया, और दूसरा आप ये बताइएगा कि इस इवेंट के इनकार का जो मकसद है वो क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने ये ब्यूटिशियन के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ मैम आयशा साई आई हुई हैं, ये मेकअप एक्सपर्ट हैं, इनका बहुत नाम है, यूट्यूबर भी हैं और मीडिया पे बहुत इस वक्त इन हैं, तो हमने सोचा कि इनकी जो न्यू टेक्निक्स है उससे लोगों को मुतारफ़ किया करवाया जाए, और लोगों को हमने इसलिए यहाँ पर इकट्ठा किया, फैसलाबाद की तमाम फेमस ब्यूटिशियन और उनकी स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैम आयशा साई जो है वो अपनी टिप्स जो हैं वो उनको बताएंगी, और वो क्या जिन मेकअप की मैं यूज़ कर रही हैं इस वक्त जिससे उनके इतनी खूबसूरती का राज और इनका मेकअप जो इतना इन्हेंस करती हैं ये, तो वो सब हम उनको दिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बेसिकली इसका जो मकसद है वो जो नए लोग हैं उनको मेकअप सिखाना था। इस वक्त मैडम आयशा साई मरतम जो है, मैम आपका इतना बड़ा नाम है सोशल मीडिया पर भी मेकअप के हवाले से भी, तो आपने आज फैसलाबाद के जो लोग हैं उनका काम देखा तो आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया मैम अमारा का और मैं यास्मीन का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया और ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ कराया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम लोगों को हमेशा ये लग रहा होता है कि हमें बहुत कुछ आता है, बट हम किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। सो छोटी से छोटी चीज़ें सीखने से आप मेकअप को जो है वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें नई टेक्निक्स ऐड कर सकते हैं।